नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे सदगुरु YouTube चैनल में। तो भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं पूरे भारत के उन सभी महिलाओं के लिए, साथ ही में पूरे भारत के उन सभी पुरुषों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी या फिर बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं, जो मोदी सरकार की मोदी फ्री स्कूटी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मोदी सरकार के द्वारा फिर से अभी यहां पर फ्री स्कूटी योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2020 को शुरू कर दी है, और जिसके लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर 1303 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप महिला हैं और अगर आपकी उम्र 18 से 55 साल के बीच में है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और मोदी फ्री स्कूटी योजना का आप फायदा उठा सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, तो आप आसानी से मोदी फ्री स्कूटी योजना के तहत एक स्कूटी ले सकते हैं। साथ ही में तो अगर आप पुरुष हैं, तो भी आप अपनी माताओं, बहनों या फिर अपनी पत्नी के लिए भी ये वीडियो जरूर देखें, जिससे कि उन्हें एक आप फ्री में मोदी सरकार के द्वारा एक स्कूटी लेकर दे सकें। तो दोस्तों, अगर इसमें महिला 5वीं पास है तो इन्हें स्कूटर दिया जाएगा, जिसकी कीमत 56,000 रुपये होगी। अगर आप 8वीं पास है तो आपको स्कूटी दी जाएगी, जिसकी कीमत 70,000 रुपये है। और अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको 180 सीसी की स्कूटी दी जाएगी, जिसकी कीमत 96,000 है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपके लिए अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसका फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, ताकि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। पूरा मैं आपको फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से देने वाला हूं। और दोस्तों, उसके बाद में ये जो मोदी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है मोदी फ्री स्कूटी योजना के तहत, यहां पर आकर भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ ही में आपके यहां पर लाभार्थी के पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी महिला या फिर पुरुष, आपकी कोई बहन है या फिर बेटी है या फिर आपकी पत्नी है या फिर माता है, जिसकी उम्र 18 से लेकर 55 साल के बीच में है, और अगर वो यहां पर किसी भी काम की वजह से, पढ़ाई के लिए या फिर ट्यूशन के लिए या फिर किसी और वजह से दूर जाना चाहती है, लेकिन उसे जाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल पाते हैं, तो आप इस फ्री स्कूटी योजना का फायदा उठाकर अपनी माताओं बहनों को एक फ्री में स्कूटी दिलवा सकते हैं। अगर आपकी कोई बहन है, कोई बेटी है जो ट्यूशन जाती है या फिर स्कूल जाती है, जो उसे काफ़ी दूर पड़ती है, पैदल जाना पड़ता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बड़ी ही आसानी से और बिल्कुल सिंपल स्टेप के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी मोदी सरकार के द्वारा एक स्कूटी प्रदान कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सही में मोदी सरकार की फ्री स्कूटी योजना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहना। लेकिन भाइयों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में सबसे ज़रूरी आपके फायदे का एक काम जरूर करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको कमेंट जरूर करना है कि आप भारत के किस राज्य से रहते हो, साथ ही में आपकी आयु कितनी है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया कि नाम है इनका परदन्या कदम, स्टेट महाराष्ट्र है, एज इनकी यहाँ पर 19 है, और एजुकेशन SY BSc IT है। तो दोस्तों, ऐसा कमेंट करने से आपको ये फायदा, क्योंकि जिस राज्य से जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, हम उसी राज्य के उतनी ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकार की योजनाओं की वेरीफाइड वीडियोस लेकर आते रहेंगे, जिससे कि उस राज्य के लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकार की योजनाओं का फायदा उठा पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपके फायदे का ही काम है, कमेंट करने में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। भाइयों और बहनों, पहले हम इस योजना की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ले लेते हैं। इसके बाद में इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप देख सकते हैं अम्मा टू व्हीलर स्कीम, यहाँ पर स्कूटी भी है, बाइक भी है, साथ ही में हेल्थ भी और कार भी है। इनकी मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उससे पहले हम बेसिक ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की वेबसाइट पर आ चुके हैं, मोदी सरकार फ्री स्कूटी योजना 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे नीचे आएंगे तो आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मोदी सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। मोदी सरकार फ्री स्कूटी योजना 2020 देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जनवरी 2020 को एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत भारत की सभी महिलाएं और बालिकाएं जो 5वीं पास, 8वीं पास या फिर 10वीं पास है, उन्हें फ्री में स्कूटी देने की घोषणा की है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 12,103 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। तो दोस्तों, यहां पर 12,103 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है भारत की सभी महिलाओं और बालिकाओं को फ्री में स्कूटी दिलवाने के लिए। उसके बाद में दोस्तों, यहां पर उन्होंने भारत की पहली महिलाओं को यहां पर स्कूटी भी वितरण कर दी है, वो दोस्तों 13 जनवरी 2020 की सुबह को शुरुआत में दी गई थी। इसके नीचे आप देख सकते हैं कौन कौन ले सकता है इस योजना का फायदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना का फायदा भारत की वह सभी बालिकाएं और महिलाएं ले सकती है जो 5वीं पास हो, 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो, जिनका आधार कार्ड बना हुआ हो और साथ ही में जिनकी उम्र 18 से लेकर 55 साल के बीच में हो। तो दोस्तों, अगर ये 5 क्वालिफिकेशन आप पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से मोदी सरकार की फ्री स्कूटी योजना का फायदा ले सकते हैं। आपके यहाँ पर परसेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आपके कितने प्रतिशत होने चाहिए, उसकी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर 5वीं पास, 8वीं पास या फिर 10वीं पास होने चाहिए, साथ ही में आपका आधार
कार्ड होना चाहिए और जिनकी उम्र 18 से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही ये दोस्तों जो मोदी सरकार की फ्री स्कूटी योजना, इसके तहत आप अपने पत्नी, आपकी बालिका या फिर आपकी बहन को भी योजना का फायदा दिलवा सकते हैं। इसलिए पुरुष भी इस वीडियो को पूरा देखना। और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा जो आपको भरकर घर पर बैठे आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, ये फॉर्म भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों जो पांचवी पास महिला या फिर बालिकाएं हैं उन्हें स्कूटर मिलेगा जिसकी कीमत 56,000 रुपये होगी। आठवीं पास को स्कूटी मिलेगी जिसकी कीमत 70,000 रुपये होगी। और दसवीं पास को यहां पर 180 सीसी की स्कूटी मिलेगी जिसकी कीमत 96,000 होगी, मतलब कि 1,00,000 के रुपये के आसपास इसकी कीमत होगी। फिर दोस्तों कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा? तो दोस्तों इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास यानी कि महिला या फिर बालिका के पास यह जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, जैसे कि पांचवीं पास की, आठवीं पास की या फिर दसवीं पास की मार्कशीट या फिर का प्रमाण पत्र, साथ ही में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र। आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी यहां पर मांगा गया है। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और मार्कशीट होगी तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये पूरा फॉर्म भर के भी दिखा देता हूं कि कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों ये मोदी सरकार की फ्री स्कूटी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके यहाँ पर आपको रूरल और शहरी दोनों के यहाँ पर फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मा टू व्हीलर स्कीम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अम्मा टू व्हीलर जो स्कीम है ये यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, इनमें इंग्लिश में यहाँ पर पूरे जो है फॉर्म दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रूरल, एप्लीकेशन फॉर्म अर्बन, फील्ड वेरिफिकेशन फॉर्म, सब्सिडी क्लेम फॉर्म, यहाँ पर सारे दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रूरल, मतलब कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपको फॉर्म कैसे भरना है ये आपके लिए ये फॉर्म में डाउनलोड करके भर के दिखा देता हूं। और उसके बाद में जो शहरी क्षेत्र से, मतलब कि जो शहर में रहती है महिलाएं बालिकाएं, उनको फॉर्म कैसे भरना है ये भी फॉर्म मैं आपको डाउनलोड करके भर के दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर इस फॉर्म पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपके सामने फॉर्म इस प्रकार से खुलकर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है महिला या फिर जो भी बालिका है। इसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है वो कोड आपको यहाँ पर डालना है, ब्लॉक का कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है, वीपी कोड आपको विलेज का कोड यहाँ पर डालना है, और एप्लीकेशन रनिंग नंबर है वो यहाँ पर ऑफिस के द्वारा डाले जाएंगे, ये आपको नहीं डालना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पर डालना है, नेम ऑफ द ब्लॉक, आपके ब्लॉक का नाम यहाँ पर डालना है, आपकी विलेज या फिर जो पंचायत है उसका नाम यहाँ पर डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि महिला या फिर जो बालिका जो आवेदन कर रही है उसका नाम यहां पर डालना है, उनके फादर या फिर पिताजी का नाम यहां पर डालना है। उसके बाद में सेक्स में वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर है वो आपको यहाँ पर डालना है, या तो ये वुमेन को मिलेगी या फिर जो ट्रांसजेंडर है सिर्फ उन्हीं को ये स्कूटी मिलेगी, इसलिए यहाँ पर वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर लिखा हुआ। उसके बाद में परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, जो आपका पूरा एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट या फिर मोबाइल नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 से 40 ईयर, यहाँ पर 18 से 40 ईयर मांगी गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी उम्र 18 से 55 है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है। फिर आपके आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद में आपका जो मेरिटल स्टेटस है, मतलब आप शादीशुदा हैं, विधवा हैं या फिर अनमेरिड है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक करना होगा, जो भी आपकी है। अगर आप मेरिड हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, अगर अनमेरिड है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा। फिर आपका रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आपके कौन सा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो भी आपको यहाँ पर क्लिक करके ये धर्म आपको चूज कर लेना है। कम्युनिटी एससी एसटी ओबीसी कौन सी है वो भी यहाँ पर क्लिक करके आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाल देनी है, ऑक्यूपेशन क्या है, आप पढ़ाई करती हैं, बिजनेस करती है, वो भी यहाँ पर डाल देना है। आगे आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ वर्कशॉप, आपकी अगर कोई वर्कशॉप है तो उसका यहाँ पर एड्रेस भी डाल देना है। उससे नीचे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। प्रोपोजल टू भी, मतलब आपको किस उद्देश्य से स्कूटी लेना चाहते हैं, मतलब कि आप ट्यूशन जाने के लिए स्कूटी लेना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए या फिर बिजनेस पर जाने के लिए, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और भरना होगा, यहाँ पर नॉर्मल यस नो यस नो यस नो करके आपको आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जो भी आपके कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट नंबर है, प्रूफ ऑफ आठवीं की मार्कशीट, दसवीं की मार्कशीट है उसका आपको यहाँ पर मार्कशीट के नंबर डालने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में, ये पूरा भरने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपकी डेट लिखनी है, यहाँ पर प्लेस जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर करके ये फॉर्म आपको कहाँ पर भेजना है। तो दोस्तों वो एड्रेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उससे पहले हम शहरी क्षेत्र का फॉर्म भर के देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अर्बन, मतलब कि शहरी क्षेत्र वालों के लिए, इसे भी क्लिक करके हम देख लेते हैं और इसे भी भरना कैसे है वो सिखा देते हैं। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन दोनों फॉर्म में सेम है, आपको यहाँ पर कोई भी ज़्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है, यहाँ पर जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई वो है, लेकिन यहाँ पर आपके सिर्फ एड्रेस में थोड़ा जो आपके विलेज होता है या फिर जो पोस्ट होती है वो आपको नहीं लिखना है, सीधा ही शहर का नाम लिखना है और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर वैसी की वैसी डाल देनी है जैसे कि आपने उस ग्रामीण क्षेत्र के फोटो में। और यहाँ पर भी
आपको इसी प्रकार से डेट ऑफ प्लेस लिख के यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों इतना काम कर देने एक बार में, ये जो फॉर्म है ये आप अपने जो तहसील होती है या फिर जो पंचायत समिति होती है वहाँ पर जाकर ये फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हैं। वहाँ पर जो पंचायत समिति के तहसीलदार होंगे या फिर जो पटवारी होंगे बड़े तक कायदे के, वो यहाँ पर इसके ऊपर सिग्नेचर करके इसे आगे के लिए भेज देंगे। या फिर इसे आप अभी पढ़ाई कर रही है निरंतर है तो आप स्कूल के माध्यम से भी ये फॉर्म आप भरकर स्कूल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जो स्कूल में आपको अभी जस्ट कुछ ही दिनों के बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आपके जो भी फॉर्म होंगे वो आपसे ले लिए जाएंगे और आपसे भरवा कर जमा करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों और भी अगर मोदी सरकार की स्कूटी योजना की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस योजना की जैसे कोई अगली अपडेट आएगी हम वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।